तो जी आप देख सकते हैं कि स्पेन से पुर्तगाल अभी हम बस पहुंचने ही वाले हैं और अभी हम बॉर्डर के अभी बॉर्डर करीब आ रहे हैं तो उन्होंने सहा जेरिया ने ना फंसिया होंगे ना बेचारिया दी फ्रांस से अगर आपने पुर्तगाल या स्पेन में जाना है तो आप फ्लिक्स बस के टिकट। तो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब हम मैड्रिड स्पेन से वाया बस पुर्तगाल जाने लगे हैं तो सारा रास्ता आप लोगों को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि रास्ते में क्या होता है और चेकिंग वैकिंग का क्या सिस्टम होता है, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि वाया बस अगर हम आते हैं तो क्या कुछ होता है और रास्ते में बहुत मज़े मज़े के व्यूज़ आते हैं क्योंकि व्हेन यू गो टू पुर्तगाल लिस्बन सो यू कैन सी लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल नेचर एंड सो अमेजिंग व्यू आल्सो एज वेल। तो एनीवे चलिए अंदर चलते हैं, बस ना कहीं छूट जाए और आपको एक एक चीज़ बताते हूँ। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई कंसल्टेंसी चाहिए उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एनीवे वाम उस दैन थ्रो। तो जी आप देख सकते हैं कि स्पेन से पुर्तगाल अभी हम बस पहुंचने ही वाले हैं और अभी हम बॉर्डर के एरिया में खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हमेशा आपकी बस वगैरह या अगर आप खुद भी ड्राइव करके आ रहे हैं तो यहाँ पे आप खाना पीना के लिए कुछ अरेंज कर सकते हैं और आप वहाँ पर माउंटेंस देख सकते हैं, बहुत अमेजिंग व्यू है, सो ब्यूटीफुल हेयर। और जनाब यहाँ से अभी हमारी चेकिंग वगैरह थोड़ा सा आगे जाके बॉर्डर का एरिया मेन आ जाएगा और वहाँ पे अभी जाके पता चलेगा कि वहाँ पे वो किस टाइप की वो चेकिंग वगैरह या इमिग्रेशन करते हैं। एंड पुर्तगाल एंड स्पेन वेदर इज़ सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, ओके आई लव दिस वेदर। और एनीवे थोड़ा और आगे जाते हैं और बाद में आपको मैं बताता हूँ कि क्या होता है। तो जी मैं स्पेन से वाया बस पुर्तगाल में आ गया हूँ और क्या कुछ रास्ते में हुआ है और क्या कुछ नहीं, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। और जनाब पुर्तगाल रेजिडेंस कार्ड के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, सर्वाइव तो होता है लेकिन कार्ड के बाद आप बहुत आज़ाद हो जाते हैं। और अभी मैं तो पुर्तगाल से आगे भी आ गया हूँ और पूरी दुनिया इंशाल्लाह विजिट करनी है, ट्रैवल करनी है। एनीवे एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आपने स्पेन से वाया बस पुर्तगाल में आना है और आपने बस की टिकट करनी है तो वो बहुत सस्ती है, सिर्फ मुझे 20 से 25 यूरो की टिकट मिली है और इसमें आप बैगेज भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, मेरी टिकट के ऊपर लिखा हुआ था 8-8.5 घंटे में मैं पुर्तगाल लिस्बन में पहुंच जाऊंगा। तो जनाब हमारा ड्राइवर बहुत मज़े का था, इंज लगता सी भैया कि उन्हें 2-3 चावा पी लिया ने तो सानू कल ही पहुंचाएगा। तो जनाब 9-10 घंटे लग गए, 9-10 घंटे के बाद हम लिस्बन पुर्तगाल में पहुंच गए। तो मुझे रास्ते में वोमिटिंग शोमटिंग का प्रॉब्लम भी है तो मेरे लिए बस का सफर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए किया क्योंकि आप लोग मुझे प्यार देते हैं तो फिर मुझे भी कुछ सेक्रीफाइस वगैरह कोई एफर्ट करनी होती है। तो जनाब देखें जब हम वहाँ से इंटर होने लगे थे स्पेन से, जब हम बॉर्डर के पास आ गए थे जो पुर्तगाल और अपना स्पेन बॉर्डर अपना शेयर करता है, ये बहुत ही लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ। तो जनाब वहाँ पे कोई ऐसा वैसा सीन नहीं था और हमसे तो यार किसी ने कुछ नहीं पूछा, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये आपकी लक पे डिपेंड कभी कभी करता है, लेकिन हम तो ऐसे ही आ गए हैं, कोई बड़ा किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है। और हमें पता भी नहीं चला कि हाँ यार ये बॉर्डर का एरिया था, हमें तो कुछ पता नहीं चला क्योंकि मेरे पास वैसे भी ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स थे तो कोई ऐसा वैसा मसला बना भी नहीं है। लेकिन जब भी आप ट्रैवल करते हैं प्लीज़ मेक श्योर यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स विद यू, कि इससे आपको फ़ायदा होता है, अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो जाए तो फिर आप उनको दिखा सकते हो। आपके पास आपका पासपोर्ट वगैरह वीज़ा वगैरह होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ना करे अगर आप चेक हो गए तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं बस में, मुझे समझ में आता है आप लोग परेशान होते हो, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि यार अब क्या हो जाएगा, अभी बॉर्डर करीब आ रहा है तो उन्होंने सहा जेरिया ने ना फंसिया होंगे ना बेचारियाँ दी, आई रियली कैन अंडरस्टैंड। तो जनाब कोशिश करें कि आपके पास वीज़ा वगैरह ही हो, और अगर जिनके पास वीज़ा वगैरह नहीं है तो यार ये आप लोगों के लिए रिस्की हो सकता है। तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं, जो लोग फैमिली के साथ आना चाहते हैं उनके साथ बैगेज एडे एडे वड्डे होंगे ने ना, वो कहते हैं कि यार अगर हम वाया प्लेन आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो देखें आप फ्रांस से अगर आपने पुर्तगाल या स्पेन में जाना है तो आप फ्लिक्स बस के टिकट कर सकते हैं, और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजेंसीज हैं जो आपको टिकट वगैरह आपकी दे देते हैं, लेकिन यह कि सफ़र थोड़ा लंबा होता है लेकिन बस की टिकट सस्ती होती है, ठीक है। बाकी जनाब मजीद वीडियोस के लिए मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, कमेंट्स किया करें क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाओ, प्लीज़ हमने वाया बस जाना है तो क्या सिस्टम होता है। तो जनाब ये भी मैंने आप लोगों के लिए आज कर दिया, तो दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़ एंड आई लव यू ऑल।